लेता, जो हम खाते हैं वही ये भी खा लेता है, जो घर में अमून बनता है गांव में सब्जी रोटी दाल चावल वही ये भी खाता है, और खाने की जहां तक बात नहीं है साथ में खाता है, मेरे प्लेट में खाता है। आप सभी का वाइल्डलैंड्स बाय तारिक में खुशामदीद। दोस्तों, हमने इंसान और जानवर या परिंदों की दोस्ती बहुत सुनी होगी, लेकिन देखने का मौका कम ही मिला होगा। ऐसी ही दोस्ती आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना भी न भूलें। दोस्तों, बात करते हैं इंसान और पक्षी की दोस्ती की। उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी के गांव मंडका के रहने वाले आरिफ गुज्जर की दोस्ती एक राजकीय पक्षी सारस से हो गई। उसमें जुबान का सिर्फ इतना ही कसूर है कि वो एक इंसान से दोस्ती कर बैठा। तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। आरिफ को यह सारस घायल अवस्था में मार्च 2022 में मिला था। आरिफ ने सारस का इलाज किया और वो ठीक हो गया, लेकिन आरिफ का सोचना था कि सारस ठीक होकर ये चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारस आरिफ के घर का फर्द बन गया और दोस्ती इतनी परवान चढ़ गई कि आरिफ कहीं जाते तो उनके साथ साथ उड़ता हुआ दोस्ती निभाता था। लेकिन दोस्तों, इस दोस्ती के इश्क को गहरी नजर लग गई, उच्च अधिकारियों तक बात पहुंची तो वन विभाग द्वारा आरिफ को नोटिस जारी हो गया और वन विभाग सारस को लेने आरिफ के गांव पहुंच गए। चर्चा इतनी हुई कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सारस और आरिफ से मिलने पहुंच गए। एक दोस्त हवा में, दूसरा दोस्त बाइक से, अपनी दोस्ती को निभाते हुए तकरीबन एक साल की दोस्ती ने अपने बेजबान दोस्त सारस को आरिफ ने नम आंखों से अपने दोस्त को जंगल विभाग के हवाले कर दिया और उसी के साथ चल दिए। रायबरेली के समसपुर पक्षी विहार सलोन लाया गया। पक्षी विहार में एक दिन रुकने के बाद बताया जा रहा है कि सारस वहां से चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया है। उसकी आजादी और दोस्ती दोनों पर हाकिमों का कब्जा है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की मुरली पर वृंदावन के तमाम जीव जंतु मस्त हो उठते थे, तो ये करुणा, दया, मोहब्बत और दोस्ती थी जो ऐसा था। मोहब्बत और दया एक ऐसा इलाज है कि पत्थर को भी पिघलने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी भी बात सामने आ रही है कि बरेली रेलवे स्टेशन पर एक सारस जख्मी हालत में मिला, जिसे लोग आरिफ का सारस बता रहे हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।